हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव और कभी वोकैब कभी ग्रामर के कुछ टॉपिक और लास्ट दो वीडियो में हमने किए थे स्पोकन से रिलेटेड कुछ टॉपिक, तो आज भी मैं स्पोकन से रिलेटेड और कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रिलेटेड आपको यूज ऑफ सेल करवाने जा रहा हूँ। सेल और विल दोनों का यूज करवाने जा रहा हूँ। इसके अंदर भी हम सेल और विल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किन किन सिचुएशंस के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आती हैं, मॉडल्स आती हैं और एक एक होती है प्योर हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर डू होता है, बी होता है और हैव होता है। तो इनके अलावा होते हैं मॉडल्स, मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के अंदर आता है सेल, विल और कैन, कुड वगैरह काफी मॉडल्स आ जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो सबसे पहले होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और उसके बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स आते हैं और मॉडल्स के अंदर जैसे मैंने लिखा बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, बी होती है, हैव होती है, बी हैव और डू। इसके अलावा अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स जैसे कैन, विल, शैल, सो ऑन, मतलब काफी सारे होते हैं जिनके बारे में आगे कभी न कभी चर्चा करेंगे। मेन बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मॉडल्स, जिसमें मैं करवाने जा रहा हूँ विल और शैल का यूज, समझ गए? विल और शैल के यूज में अगर हम बात करें तो विल और शैल का यूज कहाँ कहाँ और कब कैसे यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। जैसे मैंने हेडिंग डाली यूज ऑफ विल एंड शैल, वी शैल और विल का यूज। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं विल शैल का पहला यूज, यूज नंबर वन, पहला यूज क्या होता है? तो आप सभी को पता है यूज विल और शैल का पहला यूज होता है फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस के अंदर यूज होता है सबसे पहले विल और शैल का, और फ्यूचर टेंस के अंदर जब यूज होता है, अगर मैं बात करूं विल के यूज की, शेल के यूज की, तो शेल जो होता है वो आई और वी के साथ आता है, जो पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए। और विल की अगर मैं बात करूं तो विल आता है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, जो हमें एक फ्यूचर इंफॉर्मेशन ही देता है। क्या देता है? फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई शैल डू दिस वर्क, या मैंने लिखा ही विल गो देयर, या मैंने लिखा दे विल हेल्प यू। तो इस तरह हमने देखा कि शैल का जो पहला यूज होता है और विल का जो पहला यूज होता है वो यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस के अंदर, जिसमें आई शैल डू दिस वर्क, यानी शैल जो होता है वो आई और वी के साथ आता है, क्योंकि आई और वी जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर, और जो स्पीकर जो होता है ना वो हमेशा पोलाइटनेस को मेंटेन रखता है, यानी अपने पोलाइट वे यूज करता है बोलते टाइम। तो इसीलिए आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज किया जाता है ताकि पोलाइटनेस को मेंटेन किया जा सके, पोलाइट वे को मेंटेन किया जा सके। तो इसीलिए आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, या मैंने कहा दे विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो सब पहला यूज किया जाता है वो फ्यूचर टेंस के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर मैंने सेल और विल का आपको अलग अलग यूज बता चुका हूं। तो ये अब यूज नंबर दो करते हैं।
दिया होगा। अब मैं करता हूं यूज नंबर दो की बात, जिसके अंदर अब हम करते हैं यूज नंबर दो की बात, जिसके अंदर शेल प्लस आई और सेल प्लस वी का जब हम यूज करते हैं तो यूज करते हैं टू ऑफर समथिंग, भाई किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए टू ऑफर समथिंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, भी क्या मैं आपके लिए कुछ कुक कर दूं, कुछ पका दूं। या मैंने लिखा शेल आई बाय अ बुक फॉर यू, भी क्या मैं आपके लिए कोई किताब बाय कर दूं। या मैंने लिखा शेल आई बाय अ टी शर्ट फॉर योर सन, भी क्या मैं आपके बेटे के लिए कोई टी शर्ट मतलब खरीद सकता हूं, उसको ऑफर कर सकता हूं। या मैंने लिखा शेल शेल बी डू दिस वर्क फॉर यू, भी जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे बी शेल के साथ अगर आई और सेल प्लस वी आ जाता है तो टू ऑफर समथिंग किसी को कुछ ऑफर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर जैसे मैंने लिखा शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, कोई मान के चलो गेस्ट आ जाता है आपके घर पे तो आप बोलते हो शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, भाई शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ पका दूं। शेल आई बाय अ बुक फॉर यू, भी क्या मैं आपके लिए किताब खरीद सकता हूँ। या बोलेगा शेल आई बाय अ टी शर्ट फॉर योर सन, भी क्या मैं आपके बेटे के लिए टी शर्ट खरीद लूं। और आपने बोला Shall we do this work for you? और क्या आप, क्या हम लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप जैसे किसी को कुछ ऑफर करते हैं भी, चाय लोगे पानी लोगे, जिस तरह कोई भी गेस्ट आता है आप बोलते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग कुछ ऑफर करने के लिए आप यूज करते हैं सेल प्लस आई और सेल प्लस बी का। अब करते हैं इसका तीसरा यूज, अब अगर मैं इसके तीसरे यूज की बात करूं, तीसरे यूज में सेल प्लस आई का जो यूज किया जाता है वो परमिशन के लिए किया जाता है। अब परमिशन का मतलब क्या हो गया, आपके पापा खड़े हैं, आप बोलना चाहते पापा क्या मैं मूवी देखने जा सकता हूं, तो आपने बोला सेल आई गो फॉर अ मूवी, भी क्या मैं मूवी के लिए जा सकता हूं, तो आप परमिशन ले रहे हैं। या आपने बोला शेल आई गो विद रोहन, क्या मैं रोहन के साथ जा सकता हूं। या मैं लिख देता हूं जैसे मैंने बोला शेल आई प्ले क्रिकेट, तो आप सामने वाले से जब परमिशन लेते हैं तो शेल आई का यूज किया जाता है। या फिर मैंने लिखा Shall I क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, Shall I go with लिखा मैंने सेल आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, देखिए इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं, तो आप अपने पापा से या मम्मा से किसी से भी जब कोई परमिशन की डिमांड करते हैं, जब आप सामने वाले से कोई परमिशन लेते हैं तब सेल प्लस आई का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। और इससे पहला बताया कि सेल प्लस आई और सेल प्लस बी का यूज तब किया जाता है
जब आप किसी से मतलब किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो। इससे पहला यूज मैंने आपको बताया कि सेल और विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस के अंदर, समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट यूज इसका, यूज नंबर फोर की अगर मैं बात करूं तो अगर शेल प्लस बी, ये यूज किया जाता है किसी को सजेस्ट करने के लिए, यानी सजेशन देने के लिए। शेल प्लस बी का अगला यूज किया जाता है सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा Shall we start our class? भी क्या हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा Shall we play hockey now? Shall we go to the market? या मैंने लिखा Shall we clean our room? समझ गए। जब आप किसी को कोई सजेशन देते हैं Shall we start our class, जैसे मैंने आपको बोला Shall we start our class, भी क्या हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, या फिर Shall we play hockey now, हमें सजेशन मांग रहा हूं आपसे कि Shall we play hockey now, क्या हम हॉकी खेलने जाएं या हॉकी खेलें। Shall we go to the market, क्या हम मार्केट चलें, या Shall we clean our room, क्या हम अपना रूम क्लीन करें। जब हम किसी से कोई सजेशन लेते हैं, मान के चलो मैं हूं और आप हैं, अगर आई स्पीकर होता है, लेकिन सामने वाले की भी तो सजेशन चाहिए ना कि मैं क्या करने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए। अब जो मेरे मन में वो तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे सामने वाले से भी तो पूछना पड़ेगा। अगर मैं सामने वाले से पूछूंगा तो उसकी सजेशन होगी, इसलिए Shall और we का यूज किया जाता है सजेशन लेने के लिए। Shall we start our class, या तो मैं इसके विल बी स्टार्ट अवर क्लास, तो ये रूड साउंड करेगा, जैसे कि मैं ही बहुत कुछ हूं, मतलब सब कुछ मैं ही हूं, अपनी जिम्मे मतलब अपनी एक थोप रहा हूं आपके ऊपर। Shall we start अवर क्लास यूज होगा, कभी विल बी स्टार्ट अवर क्लास यूज नहीं हो सकता इस केस में। गर्मी हो रही है यार, ज्यादा मेरे ख्याल से पांच। तो विल प्लस वी, विल और वी का यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे हम सामने वाले से, जैसे मैंने लिखा विल वी गो देयर, क्या हम वहां जाएं। विल वी डू दिस वर्क, क्या हम ये काम करें। या मैंने लिखा विल वी पेंट हिज रूम, क्या हम उसका रूम पेंट करें। या मैंने लिखा Will we wash her clothes? सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब विल का और प्लस वी का यूज किया जाता है, जब हम सामने वाले से कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे विल वी गो देयर, क्या हम वहां चलें, क्या हम वहां जाएं, या फिर विल वी डू दिस वर्क, या फिर विल वी पेंट हिज रूम, विल वी वॉश हर क्लोथ्स, क्या हम उसके कपड़े धोएं या धो दें। अब सामने वाले से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह आपका विल प्लस वी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट यूज जो बनेगा इसका आई और वी प्लस विल,
इनके साथ भी विल का यूज होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होता है आई के साथ पोलाइट वे मेंटेन करने के लिए, और अगर उसी तरह बी के साथ अगर मैं विल का यूज करता हूं, प्रॉमिस सेंस देता है। प्रॉमिस सेंस मतलब जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने पोलाइट वे के लिए सेल यूज होता है, समझ गए, जैसे मैंने कहा आई शैल हेल्प यू, ये एक पोलाइट वे मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आई के साथ वी लगा देता हूं, आई के साथ और वी के साथ वी लगा देता हूं, तो एक मतलब प्रॉमिस की सेंस देता है, आई और वी के साथ एक प्रॉमिस की सेंस देगा, क्योंकि जैसे मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी इसके अंदर बंदे को श्योरिटी है कि वो बंदा उसकी हेल्प जरूर करेगा चाहे कुछ भी हो, और इसके अंदर पोलाइट वे मेंटेन करे, इसके अंदर प्रॉमिस सेंस दे रहा है। जैसे मैंने लिखा वी विल डू एवरीथिंग, हम वो सब करेंगे दैट वी कैन डू फॉर यू, भी हम वो सब करेंगे जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। यही सेंस निकलती है कि ये बंदा यहाँ पे एक प्रॉमिस सेंस दे रहा है और यहाँ पे पोलाइट वे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे तो पोलाइट वे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉमिस सेंस दे रहा है और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके अंदर भी बोला वी विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, हम वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया आई और वी के साथ जब विल का यूज किया जाता है तो एक प्रॉमिस सेंस देता है, समझ गए, प्रॉमिस की सेंस देता है फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए प्रॉमिस की सेंस आ जाती है आई और वी के साथ जब विल का यूज किया जाता है। जिसमें मैंने बताया कि अगर सेल आएगा तो सेल आएगा तो ये क्या करेंगे पोलाइट वे मेंटेन करेंगे, अगर विल आएगा तो एक तो करता है रूड साउंड, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस सेंस भी देता है आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा भाई, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है चाहे कुछ भी हो जाए, वो बोलते हैं ना जिस तरह कि तेरा भाई तेरे साथ है चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई साथ रहेगा वो विल यूज करेगा, उस टाइम वो सेल यूज नहीं करेगा, और आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, इस तरह आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलते हैं, उस चीज पे फोकस करते हैं आप, इसी तरह से यूज किया जाता है। अब करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की बात, अगर मैं बात करूं ही शी इट दे यू या कोई नेम हो, जैसे मैंने लिखा ही शी इट दे यू कोई नेम प्लस सेल आ जाए, तो ये क्या सेंस देगा, ये सेंस देगा क्या बोलते हैं, ये जो सेंस देगा ये देगा रूल्स एंड रेगुलेशंस की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी, क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, पता आप क्या करते हैं जब आप किसी होटल के कमरे में जाते हैं, तो आपने देखो कंबल बड़ा अच्छा पड़ा है या टॉवल बहुत अच्छा पड़ा है, तो आप सोचते हैं उठा के ना इसको अपने बैग में डाल लेते हैं, भी साथ ले जाएंगे, और ओनर को क्या पता चलेगा या होटल वालों को क्या पता लगेगा, तो वहां पे पहले ही वो क्या करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं, जिसमें आपने कभी देखा होगा जिसमें लिखा होता है गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम रूम्स, फ्रॉम द रूम, भाई गेस्ट जो है वो कुछ भी रूम में से रिमूव नहीं करेंगे जो इसके अंदर है, तो ये क्या करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस यही होती है कि वो तो अगर मान के चलो गेस्ट लिख दिया, गेस्ट की जगह आप कोई नाम भी लिख देते हो, या ये तो नॉर्मल बात है कि होटल में जाते हैं तो गेस्ट के लिए लिखा जाता है कि गेस्ट ही रिमूव करेंगे वो सब चीजें। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं मैं, यू शैल नॉट jump
रेड लाइट। भाई आप रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप करते हो तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो यू शैल नॉट जंप द रेड लाइट, आप रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते, यही सेंस दे रहा है कि इनका रूल्स है और ये रेगुलेशन है। इसके अंदर भी शैल का यूज किया जाता है, जब ही शी इट दे यू या कोई नाम या कोई नाउन लिख के आप इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तब इसके अंदर इस चीज का यूज किया जाता है। अब करते हैं लास्ट यूज, इसका लास्ट यूज तो नहीं है, उससे पहले भी एक यूज और आ जाता है, वो करते हैं हम यूज नंबर 8। यूज नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो सेम ही लिखेंगे, ही शी इट दे यू या कोई नेम हो, तो क्या करते हैं कोई ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशंस लगा दी जाती है, उनके बारे में बात की जाती है, या कोई कंपल्शन, कोई ओब्लिगेशन या कोई कंपल्शन की बात की जाती है जब कोई आप किसी पे ओब्लिगेशन या कंपल्शन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यू शैल गो देयर फॉर मीटिंग नेक्स्ट वीक, तो आपके लिए कंपल्शन होगी कि आपको जाना ही पड़ेगा, ये आपके लिए कंपल्सरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि आपको मीटिंग के लिए अगले हफ्ते वहां पे जाना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लिखा यू शैल पे, यू शैल पे रुपीज 20,000 टू रोहन बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस। भाई आपको रोहन को 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने जो उसका लॉस किया है वो आप उसके जिम्मेदार है, मान के चलो तो आपसे रोहन का फोन टूट गया गिर के, भी आपको रोहन बोलेगा भी तेरे को करना पड़ेगा ये सब, तो इस सिचुएशन में आप बोलेंगे यू शैल पे रुपीज 20,000 टू रोहन बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस, यानी आप उस लॉस के जिम्मेदार हैं इसलिए आपको वो 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद ओब्लिगेशन एंड कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे ये कंपल्शन दिखा रहा है। अब नेक्स्ट यूज करते हैं इसका, नेक्स्ट आ गया फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए जब इसका यूज किया जाता है तो मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा विल यू गो देयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक लिख देते हैं। भाई किसी ने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि विल यू गो देयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो, तो आपने इसका रिप्लाई दिया यस आई विल, हाँ मैं जा रहा हूं, तो आप इस तरह पे इसको चाहो तो आगे बोल भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, यस आई विल, तो आपने डिसीजन लिया कि आप जा रहे हो उससे मिलने के लिए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए विल का यूज किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट यूज करते हैं, अच्छा नेक्स्ट यूज यहीं पे कर लेते, यहीं पे नहीं करते, यहीं पे कर लेते हैं यार। अब इसका नेक्स्ट यूज आता है, नेक्स्ट यूज किस में किया जाता है, जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हो या किसी के साथ कोई फन कर रहे हो या किसी के साथ कोई धमका रहे हो, ठीक मतलब धमकाना, किसी को आप धमका रहे हो, तो जैसे एक ही एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे बोला आई विल किल यू, आई विल किल यू, ये एक वार्निंग देते आई विल किल यू, मैं तेरे को मार दूंगा, आई विल किल यू मतलब मजाक नहीं करते दोस्त, मैं तेरे को मार दूंगा, सीधी सी बात कह रहा हूं,
आई विल किल यू या धमकाना, एक धमकी भी दी जाती है, तो इन तीनों के अंदर एक सेंटेंस को हम तीनों के अंदर यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैंने आपको सेल और विल का सारा यूज बता दिया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस के अंदर यूज किया जाता है, फिर मैंने आपको बताया कि सजेशन देने के लिए, पोलाइट वे मेंटेन करने के लिए, और जिस तरह थ्रीट, वार्निंग और फन के लिए यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर काफी यूजेस भी मैंने बताए। तो आई होप आपको ये समझ आए होगी कि सेल और विल का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि सेल और विल के साथ साथ अगर हम आगे भी कोई कोई मॉडल्स का यूज करेंगे तो वो टाइम टू टाइम देखा जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ चुका है कि लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है। कई मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिसको मैं वॉर्न भी कर रहा हूँ, वो देखेगा वीडियो, तो जिस तरह मैंने उसको सेंटेंस दिया, स्पोकन की क्लास थी मेरी, तो मैं उसको 2 मिनट पहले वो सेंटेंस 20 बार बोल चुका हूँ, लेकिन उसको फिर भी याद नहीं होगा, तो आपका ध्यान किधर होता है भाई। तो इसलिए आप चीजों पे ध्यान दिया करें, क्योंकि टीचर जो कराता है अपनी जी जान से करवाता है आपको, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, आपको अपनी तरफ से पूरी जी जान झोंक देता है, और आप क्या करते हो, आप उस चीज को मजाक में लेते हो, क्या है भी पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं है घर वालों के, नॉर्मल सी बात है। ये तो है नहीं कि चलो हम 2000 का नोट थोड़ा क्लास ले लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई, आप उनकी मेहनत को देखो फैमिली की, और उस अकॉर्डिंग चलो ताकि आप भी मेहनत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ही पछताना पड़ेगा, आप अपने आप को धोखा दोगे, किसी और को नहीं। तो प्लीज आप इन चीजों पे ध्यान दिया करें, और प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके जरूर से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।